हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम कैरेट आइस क्यूब्स बनाएंगे। ये आइस क्यूब्स हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करती हैं। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमारे एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक करती हैं। ये हमारी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाती हैं। हमारे एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती हैं। साथ ही इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स के प्रोसेस को स्लो डाउन करती हैं। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन बहुत ही यूथफुल, स्पॉटलेस और ग्लोइंग हो जाती है। तो आइए कैरेट आइस क्यूब्स बनाना शुरू करते हैं। कैरेट आइस क्यूब्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गाजर यानी कि कैरेट ले लेंगे और इसकी स्किन को पील ऑफ करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने इसके छिलके को अलग निकाल दिया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें गाजर के इस तरह छोटे छोटे पीस करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने गाजर को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 4 चम्मच के करीब गुलाब जल यानी कि रोज वाटर ऐड करेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और गाजर को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने गाजर को ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इन ग्राइंड करी हुई गाजर के पेस्ट को एक बाउल में अलग निकाल लेंगे। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, ये हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। साथ ही इसमें विटामिन ए और सी भी होता है, जो कि हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन और वाइटन बनाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गाजर को ग्राइंड करने के लिए मैंने गुलाब जल का यूज़ किया है। गुलाब जल हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। तो नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सफल हो जाती है। तो बस अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा कैरेट का मिक्सचर बनकर एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक आइसिंग ट्रे ले लेंगे और इसमें कैरेट के मिक्सचर को पोर करेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सचर को आइस ट्रे में फिल कर दिया है। तो अब हम इसे 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, ताकि हमारी आइस क्यूब्स अच्छे से सेट हो जाएं। तो ये लगभग 7-8 घंटे हो चुके हैं। मैंने आइस ट्रे को फ्रीजर में से बाहर निकाल लिया है और आप देखिए कि हमारी आइस क्यूब्स भी अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन्हें कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इन आइस क्यूब्स को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। एक आइस क्यूब लें और इसे अपने फेस पर इस तरह जेंटली रब करें। आप इन आइस क्यूब्स को डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई करें, या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप इसे किसी कॉटन के कपड़े में रख के भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आप इन्हें अपने अंडर आई एरिया पर भी ज़रूर अप्लाई करें। ये आपकी आंखों को ठंडक देंगी और साथ ही आपके डार्क सर्कल्स, आई पफिनेस और आई रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी एकदम दूर कर देंगी। आप इन आइस क्यूब्स को दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि अगर आप इसके 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो आप इसे डेली बेसिस पर ज़रूर अप्लाई करें। और इस तरह 2 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें। और इनके रेगुलर यूज से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, सफल और ग्लोइंग हो जाएगी। आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। आपके डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपके ओपन पोर श्रिंक होने लगेंगे और आपकी स्किन बहुत ही यूथफुल और स्पॉटलेस दिखाई देने लगेगी। तो आप भी आइस क्यूब्स को एक बार ज़रूर बनाइएगा और इनका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव हैं। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।